सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको झारखंड के रामगढ़ जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप रामगढ़ जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। रामगढ़ जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के 24 जिलों में से एक रामगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ जिला झारखंड के दक्षिण से पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से रामगढ़ जिला के दक्षिण से पूर्व की सीमाएं पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर रामगढ़ शहर में मौजूद है और रामगढ़ जिला उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। रामगढ़ जिला पहले हजारीबाग जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में रामगढ़ को हजारीबाग जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 12 सितंबर साल 2007 में हजारीबाग जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले रामगढ़ हजारीबाग जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। रामगढ़ जिला के पड़ोसी जिला का नाम हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, रांची जिला और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला है, जिस वजह से रामगढ़ जिला के उत्तर से पूर्व भाग की ओर झारखंड का बोकारो जिला, उत्तर से पश्चिम भाग की ओर झारखंड का हजारीबाग जिला, दक्षिण से पूर्व भाग की ओर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर झारखंड का रांची जिला से घिरा हुआ है। रामगढ़ जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला पाषाण काल से ही बेहद सफल रहा है, क्योंकि यहाँ गुप्त राज, मुगल राज और ब्रिटिश राज के सबूत इस जिले में देखने को मिलते हैं। रामगढ़ को ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक फौजी जिला के नाम से जाना जाता था, जिसे तब रामगुर जिला कहा जाता था। रामगढ़ जिला और शहर के नाम का अर्थ मुर्राम से और बिलवागढ़ के मिलने से बना है। इसके पास में ही सीतागढ़ और विष्णुगढ़ स्थित है, शायद इसी वजह से इसका नाम रामगढ़ पड़ा। साल 1991 में रामगढ़ को अनुमंडल के रूप में गठन किया गया था, जिसे 12 सितंबर साल 2007 में रामगढ़ को एक नया जिला बनाया गया था। यह झारखंड का एक बहुत ही खूबसूरत जिला और शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने खनिज और कुदरती साधनों के लिए काफ़ी मशहूर है। रामगढ़ जिला के मुख्य नदी का नाम दामोदर नदी, गोमती नदी, नाइकर नदी और भवरी नदी है। दामोदर नदी के हिस्से में बसा यह जिला झारखंड की राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामगढ़ जिला में एक अनुमंडल, 6 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 95 डाकघर, 14 पुलिस स्टेशन, 1 सदर अस्पताल, 1 प्राथमिक अस्पताल, 143 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 364 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 1360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामगढ़ जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,89,500 के करीब है और यहां की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो रामगढ़ जिला जनसंख्या के हिसाब से झारखंड राज्य का 8वां सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला सबसे छोटा जिला है। रामगढ़ जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी 10,96,500 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला की कुल आबादी 9,49,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 4,94,000 है और महिला की आबादी 4,55,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 921 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 921 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 7,74,000 है, लगभग 81% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 1,29,000 के करीब है, लगभग 13.5% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो रामगढ़ जिला में कई सारे महत्वपूर्ण कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से रामगढ़ जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रामगढ़ जिला में राधा गोविंद लॉ कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ कॉलेज, जुबली कॉलेज और छोटा नागपुर कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 73% के करीब है। रामगढ़ जिला के 9,49,000 की आबादी में 6,95,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 4,07,000 पढ़े लिखे हैं लगभग 85% के करीब और महिला 2,91,000 पढ़ी लिखी है लगभग 63% के करीब है। जानकारी के लिए बता दें, रामगढ़ जिला में कुल मिलाकर 10 कॉलेज, 28 हाई स्कूल, 69 मिडिल स्कूल और 181 प्राइमरी स्कूल इस जिले में स्थित है। व्यवसाय की बात करें तो रामगढ़ जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 3,12,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 3,12,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल हैं। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 33% के करीब है। वैसे रामगढ़ जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। दामोदर नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफ़ी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, मक्का, रबी, खरीफ, जैद, रागी और सब्जियां यहां के मुख्य फसल हैं। रामगढ़ जिला खनिज के मामले में भी काफ़ी मशहूर है। यह जिला कोयला, लाइमस्टोन और फायर क्ले जैसी खनिज पाई जाती है। इसके अलावा रामगढ़ जिला में स्टील, आयरन, सीमेंट, रिफैक्ट्री और थर्मल पावर जैसी फैक्ट्री इस जिले में स्थित है। रामगढ़ जिला में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रिपायर वर्कशॉप, जिंदल स्टील एल पावर लिमिटेड, श्री दुर्गा सीमेंट कंपनी और DLF पावर लिमिटेड फैक्ट्री के अलावा भी इस जिले में कई और छोटे बड़े उद्योग शामिल है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और रामगढ़ जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो झारखंड का रामगढ़ जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। रामगढ़ जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार राजरप्पा मंदिर, माया टुंगरी मंदिर, टूटी झरना मंदिर, पतरातू घाटी, पतरातू डैम, धरधुरिया झरना, गर्म पानी झरना और रामगढ़ जिला के हजरत मोहम्मद शाह जिलानी बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। रामगढ़ जिला सड़क और रेल के माध्यम से झारखंड के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 23 और नेशनल हाईवे संख्या 33 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। रामगढ़ जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बरका काना रेलवे स्टेशन और रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन है। आपको बता दें, रामगढ़ जिला में कुल मिलाकर 13 रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसमें कि होल्ट भी शामिल है। दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।